गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ओके, तो अब हमको पैथोलॉजी सबसे पहले, हालांकि अभी आपको बहुत ही कम पढ़ना है इसमें, बहुत ज्यादा ब्लड्स का डिटेल नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा यूरिन का डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा 3 पॉइंट से बस वही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो फर्स्टली हम थोड़ा इंट्रो पार्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज पैथोलॉजी। तो अब पैथोलॉजी की बात कर रहा है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप पैथोलॉजी जाते हैं। तो क्यों जाते हैं पैथोलॉजी? तो ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी चीज का डायग्नोसिस करने से पहले वो आपके ब्लड में या यूरिन में कल्चर करके देखते हैं कि डिजी स्टडी करने के लिए जाते हैं कोई भी तरह की बीमारी का। ओके, तो फर्स्टली जो हमारा पैथोलॉजी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच मेनली डील्स विद स्टडी ऑफ डिजीज। और कैसा डिजीज है, नेचर क्या है, वो हमको पैथोलॉजी से ही पता चलता है। अब हमको क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो ब्लड आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि ब्लड बेसिकली हमारा क्या है, एक काइंड ऑफ फ्लूड है, फ्लूड है। और दूसरा क्या है, टिश्यूज भी है। अब टिश्यू कैसे होगा ये? तो ये क्या है, हमारा काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। तो ब्लड जो फ्लूड है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा रहते हैं, कुछ ब्लड सेल्स प्रेजेंट है एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है जो हमारे पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली जो हमारा बॉडी वेट है उसका 8% कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा ब्लड। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हमारा लगभग 5 से 6 लीटर एक एडल्ट इंसान के अंदर खून होते हैं। ठीक है, तो अब हमको कंपोजिशंस ऑफ ब्लड थोड़ा हम देख ले, हालांकि इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट हम जानकारी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिक ब्लड जो है उसमें दो टाइप के चीज होते हैं, प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज कार्पसल्स। कार्पसल्स नथिंग बट ओनली सेल्स, वो अभी रेड सेल्स हो, व्हाइट सेल्स हो या प्लेटलेट्स हो। तो अब ये जो प्लाज्मा क्या है कि वो व्हाइटिस लिक्विड है, और जो हमारा फिर आपको लगेगा कि व्हाइटिस अगर लिक्विड प्लाज्मा है देन आवर ब्लड कलर इज रेड व्हाइट, क्योंकि वो क्यों रहता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स वहां प्रेजेंट है प्रचुर मात्राएं में, हीमोग्लोबिन वहां पे प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, जिस कारण उसके जो कलर है वो रेड दिखते हैं। तो इस कारण पूरा ब्लड का कलर रेड हो जाता है। उसके बाद कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, कुछ प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। अब हम जब तीनों को देखेंगे बेसिकली काम, तो आरबीसी का काम बेसिकली हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है बेसिकली वो हमारा आरबीसी के द्वारा होता है। डब्ल्यूबीसी फिर क्या करेगा, तो जो प्रोटेक्शन का काम है, जो डिफेंस का काम है, जो बीमारियों से लड़ते हैं वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। एंड प्लेटलेट्स फिर क्या करेगा, तो उन हीलिंग का जो काम है वो बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, फर्दर व्हाइट ब्लड को क्लासिफाई किया है ग्रेनुलोसाइट्स में और एक ग्रेनुलोसाइट्स में, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, तो ये सब चीजें हैं। बट इतना डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है इरिथ्रोसाइट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, लिम्फोसाइट्स के बारे में एंड थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का रोल क्या है, लिम्फोसाइट्स का रोल क्या है और इरिथ्रोसाइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब जो सिलेबस में टॉपिक है उसको हम डायरेक्टली इलाबरेट करते हैं। तो फर्स्टली लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या है कि बेसिकली अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है हमारा। लेकिन ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स काफी प्रोटेक्शन देता है, सभी डब्ल्यूबीसी का काम यही है। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी मेडिएटेड एंड टी मेडिएटेड। तो बी का काम क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी देना, और टी का काम क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमर्स मींस लिक्विड, दैट मींस कि अब अगर बी लिम्फोसाइट्स काम करेगा तो वही क्या करेगा, ब्लड में जाके काम करेगा, एंड टी लिम्फोसाइट जो काम करेगा वो ब्लड में काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेल को मेडिएट करेगा, सेल को बोलेगा कि तुम इम्यूनिटी प्रोवाइड करो। तो यही डिफरेंस है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में। हालांकि डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है, ओनली आपको लिम्फोसाइट्स पढ़ना है। उसके बाद जो टोटल डब्ल्यूबीसी है इसका 20-40% लिम्फोसाइट्स हमारा रहता है, और टू टाइप्स के हैं ये तो आप जान लिए। कुछ
डिजीज जो लिम्फोसाइट्स के कारण होते हैं, वो कोई भी तरह के क्रॉनिक इन्फेक्शंस, आप देखिए जैसे हम पैथोलॉजी में जाते हैं, तो अगर कोई तरह का लिम्फोसाइट्स, हमको कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे WBC बढ़ जाते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनको उनसे फाइट करना होता है. तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस के कारण, थकावट के कारण अगर लिम्फोसाइट्स में डिसऑर्डर है तो वो हो सकता है. वेट लॉस अचानक से होने लग जाएगा आपको, आप अच्छे नहीं फील करोगे, मलाइज फील करोगे. द नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स क्या है? ये काफी सबसे छोटा चीज, पार्टिकल्स है हमारे ब्लड में. तो अब ये बनता कैसे है बेसिकली? तो जो हमारे सेल्स होते हैं, मेगाकार्योट्स, आरबीसी का एक पार्ट है, तो उसका जो टूटता है तो उसी के सेल्स से प्लेटलेट्स बनते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है? उन हीलिंग करना. या जो आपने ब्लड कॉगुलेशंस पढ़ा होगा, तो ब्लड कॉगुलेशंस में पार्ट करना ही प्लेटलेट्स का काम है. जैसे ही मान लीजिए हाथ कटा, तो वहां पे जाके कॉगुलेट होना इज अ पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स. तो नॉर्मल काउंट ये हमारे बॉडी में कितना होता है? 1.5 टू 4.5 लाख पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड. लाइफ स्पेन इसका 7 से 10 दिन होता है. और ये जो प्लेटलेट्स है बेसिकली कोगुलेशंस में हेल्प करता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया. अब इसके जो सिम्टम्स होंगे, अगर कोई भी तरह के प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, तो इसका जो काम है कोगुलेशंस, वो नहीं होगा. कोई भी तरह के कट हो गए, कोई भी तरह के सोर हो गए, तो वो हील नहीं कर पाएंगे. ब्रूजेस होने लग जाएगा, ब्लड्स बार बार निकलने लग जाएगा. प्लेटलेट्स की कमी के कारण कभी कभी क्या होता है कि विदाउट एनी कोई चोट या कुछ भी, हम ब्लीडिंग होने जाते हैं, हमारे गम से ब्लीड होने लगता है, हमारे नोज ब्लीड करने लग जाते हैं. ओके, अब कभी कभी अभी आपको क्वेश्चंस दे देगा कि व्हाइट ब्लड का डिसऑर्डर्स क्या है. हालांकि पढ़ना आपको इतना ही था, बट थोड़ा हम जान लेते हैं कि व्हाइट ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. तो लिम्फोमा, लिम्फोमा इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर्स जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है. यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा जो WBC है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लग जाता है, तो ये लिम्फोमा है. ल्यूकेमिया भी हमारा ब्लड कैंसर का ही टाइप है. यहाँ पे भी हमारा जो ब्लड सेल्स है वो हमारे ब्लड मैरो के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा मेलिग्नेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लग जाता है. तो ल्यूकेमिया एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है. अगर क्रॉनिक हो गया तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. उसके बाद है माइलो डिसप्लास्टिक सिंड्रोम, MDS जिसको कहते हैं. तो ये एक ऐसा कंडीशंस होता है जहां पे जो हमारा RBC है, सॉरी WBC है, उसको अफेक्ट करता है. हमारे बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे इमैच्योर सेल्स बनने लग जाते हैं. और ये जो इमैच्योर सेल्स है, जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं, ये क्या करते हैं कि जो मैच्योर सेल्स है उनको क्राउड करने लग जाते हैं, उनको मैच्योर सेल, हेल्दी सेल को क्राउड करने लग जाते हैं. अब जैसे उसको क्राउड करने लग जाएगा, उसका काम रोकने लग जाता है. तो ये क्या होगा कि वो अपना जो मैच्योर सेल है वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो इससे क्या हो गया कि ये ल्यूकेमिया का हो सकता है, WBC बढ़ के काउस कर सकता है, ब्लड कैंसर काउस कर सकता है, एंड जो नॉर्मल काम है WBC का उसको त्रस्त कर सकता है. प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है कि जब हमारा प्लेटलेट्स लेवल जो है वो काफी कम हो जाए ब्लड्स में. तो कैसे वो कम होगा? तो 1.5 प्लेटलेट्स उसका क्या होते हैं, नॉर्मल रेंज है 4.5 टू 1.5 लाख. तो अब उससे कम हो गया तो हमको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, ब्रूजेज होने लग जाएंगे लगभग. या क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स होने लग जाए हमारे बॉडी में, 4.5 से ज्यादा क्रॉस करने लग जाए. तो अब क्या होगा कि जहां जरूरत नहीं है हमारे ब्लड में क्लॉट होने लग जाएगा, वेन्स में बिना वजह का क्लॉट होने लग जाएगा. जहां पे कोई वेन्स नहीं है, कोई ब्रूसिंग नहीं है, वहां पे क्लॉट होने लग जाएगा, हेड में जाके क्लॉट होने लग जाएगा. तो अब वहां पे क्या है कि वो एक तरह का ब्लॉकेज का काम करने लग जाएगा. वैसे ही है वोन विलिब्रेड डिजीज, या एक तरह का इनहेरिटेड डिजीज है जो पेरेंट्स से आता है. इसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, जिस कारण ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है. सिमिलर इज हीमोफीलिया. अब इसमें भी हमारा क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे प्लेटलेट्स काफी कम होते हैं. नेक्स्ट है हमारा इरिथ्रोसाइट्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, इरिथ्रोसाइट्स, दैट इज RBC, एबनॉर्मल सेल्स और इसका सिग्निफिकेंस. नॉर्मली कितना होना चाहिए,
उससे जैसे ही अलग हुआ, बाइकॉनकेव शेप होना चाहिए उसका, कुछ साइज है उससे बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया, बाइकॉनकेव शेप में नहीं है, सर्कुलर शेप में है, तो क्या क्या क्यों हो सकता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, क्या डिजीज हो सकता है उससे, ये हमको जानना है। तो एबनॉर्मेलिटीज अगर रेड सेल में हो रहा है तो चार रीजंस के कारण हो रहा है। एबनॉर्मल इथ्रोपायोसिस, एबनॉर्मली इथ्रोपायोसिस हो रहा है, एंड इथ्रोपायोसिस नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इथ्रोपायोसिस। आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम लोग बोलते हैं इथ्रोपायोसिस। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, बनना है कुछ कुछ और, मशीन गड़बड़ी कर दिया, जैसे नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में थोड़ा सा मशीन में गड़बड़ी हो गया तो प्रोडक्ट सारा गड़बड़ हो जाता है। सिमिलर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सही से नहीं हुआ, या आरबीसी जो बोन मैरो से निकल रहा है वहां पे कुछ चेंजेस आ गए, वहां पे कुछ डैमेजेस आ गए, या फिर कभी हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है, कोई भी चीज का कमी हुआ तो वो चीज कंपनसेट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी वक्त बोन मैरो, मान लीजिए हमारे बॉडी में एनीमिया हो गया, हमको आरबीसी की कमी हो गई, तो अब बोन मैरो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी वो चीज मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जल्दीबाजी के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई, उस एरिथ्रोबायोसिस में कुछ एक गड़बड़ी हो गई, तो हमारा एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे एबनॉर्मेलिटीज हमारे बॉडी में होते हैं। अगर साइज एंड शेप में कुछ वेरिएशंस आ रहा है उस वजह से क्या क्या हो सकता है, तो एनिसोसाइटिस, एनिसोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो साइज है उसमें वेरिएशंस हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनके कुछ साइज होते हैं, उनसे या तो कम हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करने लग जाएगा, बड़ा छोटा बड़ा, एक सिमिलर साइज नहीं रहेगा, डिफाइंड वे में भी एक साइज नहीं रहेगा, कोई साइज बहुत बड़ा हो गया नॉर्मल से, कोई साइज बहुत छोटा हो गया नॉर्मल से। तो ये कहाँ होता है, इन केस ऑफ मेलाब्लास्टिक एनेमिया के केस में होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया के केस में हो सकता है, और ये लीड करता है इन बीमारियों को। उसके बाद होता है पायोक्यूलोसाइटोसिस, इसमें क्या है कि जैसे बाइकॉनकेव शेप होना चाहिए हमारे आरबीसी का, तो ये एबनॉर्मल शेप का, कोई गोल हो गया, कोई चकोर हो गया, बाइकॉनकेव कोई नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन कहाँ लगेगा, बाइकॉनकेव होना जरूरी है आरबीसी का, तो उस केस में हमारा फिर एनेमिया काउज करेगा, मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया, थैलेसेमिया हो सकता है। उसके बाद है इलेप्टोसाइटोसिस, नाम से पता चल रहा है कि इलेप्टिकल शेप का हो गया हमारा, ओवेल शेप का हो गया, बाइकॉनकेव की जगह पे ओवेल और इलेप्टिकल शेप का हो गया, तो ये कब होता है और ये क्या लीड्स करता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। उसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन अगर सही से नहीं बना तो आरबीसी रेड होना चाहिए एकदम रेड, तो उसके लिए क्या जरूरी है हमारा, आरबी हीमोग्लोबिन का होना। अब हीमोग्लोबिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। तो पहला है हाइपोक्रोमेशिया, अब ये जो सेल है हमारा हाइपोवर्ड है, तो दैट मीन्स कि लोअर कंटेंट है, काफी कम कंटेंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आरबीसी हमारा क्या दिखेगा, पेल पेल दिखेगा, पूरा रेड नहीं दिखेगा, येलो इस टाइप का दिखने लग जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें कम है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लीड कर सकता है। उसके बाद है एनिशोक्रोमेशिया, अब यहाँ पे क्या है, इन इक्वल डेंसिटी है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो इन इक्वल मार्क्ड वेरिएबिलिटी है, कलर डेंसिटी का अलग अलग है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अनइक्वल हीमोग्लोबिन कंटेंट है पूरे में, तो इसमें क्या होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, सिंड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद है हाइपरक्रोमेशिया, हाइपर वर्ड जुड़ गया, दैट मींस कि देयर इज टू मच ऑफ आरबी हीमोग्लोबिन कंटेंट इन इन इट, तो अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा रेड से, तो फिर वो अपना काम करना बंद कर देगा, तो इस ये कब होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद क्या हो सकता है, आरबीसी फॉर्मेशन के दौरान डैमेज हो जाए, तो स्फेरोसाइटोसिस होता है, जिसमें कि एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शंस होते हैं, उनका जो शेप है वो बाइकॉनकेव की जगह पे नॉर्मल होने लग जाता है, फ्रेजाइल टूटने लग जाता है, एबनॉर्मलिटीज होने लग जाता है। वैसे सिस्टोसाइटोसिस, इसमें भी हमारा क्या होता है कि एबनॉर्मल अमाउंट्स में सिस्टोसाइटोसिस हमारे ब्लड में प्रेजेंट होने लग जाते हैं। अब ये सिस्टोसाइटोसिस क्या है कि अलग ही शेप का है, थोड़ा कोई इरेगुलरली शेप का है, जैक है, 2.8 स्किन है, जबकि गोल होना चाहिए, तो ये थैलेसेमिया के केस में हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में हो सकता है, तो सिग्निफिकेंस कहने का मतलब यही सब डिजीज है। उसके बाद ये हमारा एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हो गया। नाउ यूरिन,
यूरिन के बारे में पढ़ना है कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या यूरिन में है। तो बेसिकली यूरिन क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें किडनी पास करता है हमारे बॉडी से वाटर, ब्लड को प्यूरिफाई करके, और उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज यूरिनेशन। तो कॉमन जो कॉम्पोजिशन है यूरिन का वो क्या है, वाटर कंटेंट बेसिकली, और उसके साथ कुछ नाइट्रोजीनियस मॉलिकुल्स, कुछ मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ड्रग मेटाबोलाइट्स, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिनिन हो, यूरिया लाइक। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ चीज जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अब एबनॉर्मल कंस्टेंट्स क्या हो सकता है, प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन तो हमको जरूरत है, पूरा बॉडी को जरूरत है, तो वो अगर बाहर निकल रहा है दैट इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो प्रोटीन यूरिया हो सकता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट की वजह से जो प्रोटीन एब्जॉर्ब होना चाहिए वो यूरिनेशन में जा रहा है। दूसरा, ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई किया तो ब्लड को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड यूरिन में जा रहा है, दैट इज द कंडीशन नोन एज हिमेटूरिया। तो हिमेटूरिया में क्या है कि इंडिकेट करता है कि कुछ इंजरी हो सकता है, इंटरनल स्कैरिंग हो सकता है, ब्लैडर में इंफेक्शन हो सकता है, पस पस नहीं होना चाहिए नॉर्मली, अगर ओके, अगर बस प्रेजेंट है तो वहां पे भी पायूरिया, पायूरिया बोलते हैं इसको, तो ये भी कोई तरह का इंडिकेशंस दे रहा है, कोई तरह का इंफेक्शन है, कोई तरह का उंड हो सकता है आपके बॉडी में। ग्लूकोज का प्रेजेंट, ऑब्वियस, अगर हमारी बॉडी में, हमारी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या फ्रुक्टोज आ रहा है, दैट मीन्स इट इज द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, कोई तरह का डायबिटीज है आपके बॉडी में, क्योंकि हमारी यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट है, वही चीज बाहर निकलेगा जो हमारी बॉडी में ज्यादा है। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज आपके बॉडी में ज्यादा है, फ्रुक्टोज ज्यादा है, तो हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, दैट मीन्स देयर इज अ क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इन आवर बॉडी। वैसे ही कीटोन आ रहा है, जो कीटोन बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट है, बेसिकली कुछ अमाउंट में एक्सक्रीट होता है बट एलिवेट हो गया, जैसे 1 mg होना चाहिए पर डे के हिसाब से, लेकिन उससे ज्यादा अगर कीटोन हमारे बॉडी में है, तो कीटो डाइट आजकल लोग बहुत करते हैं, तो उसका कंडीशन क्या हो सकता है, स्टार्वेशन का कंडीशन है, भुखमरी आया हुआ है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, प्रेगनेंसी का केस हो सकता है, बाइल पिगमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बाइल पिगमेंट निकल रहा है, तो जॉन्डिस का कंडीशन हो सकता है, हिमोलाइसिस हो सकता है, पोर्फायरिंस अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो सर्टन टाइप ऑफ लीवर डिजीज हो सकता है आपके ब्लड, आपके यूरिन, यूरिन में। तो ये एक चीज हमको पढ़ना था, ये आज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके लिए भी आप मुझे कह सकते हैं, ओके, इनबॉक्स कर सकते हैं।